हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने देखिए अब तक कहाँ तक बात की है। हमने इसमें फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, जो थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स। इसके अलावा हमने डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर की बात की थी। उसके बाद हमने इनकी टेस्टिंग की कुछ एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि हमने स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स और इसके अलावा हमने वाटर के लिए भी टेस्ट किया था। आज हम बात करेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, अगर हम सेम अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट का इनटेक करते हैं तो उसके कंपैरिजन में फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड कंटेन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। देखिए, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमें अगर चोट लग जाती है, कोई डैमेज हो गया हमारी बॉडी को, तो उसकी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता है। अब देखिए इस इमेज में सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो उसमें है स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, वीट एक्सेट्रा। देखिए, आपको ये कुछ फूड आइटम्स याद रखने ज़रूरी होते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें किस फूड आइटम से मिलता है, ताकि आप अपने मील में हर न्यूट्रिएंट को ऐड कर सकें। ये कुछ सोर्सेज हैं फैट्स के, जिसमें प्लांट सोर्सेज में हैं सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल एंड ग्राउंड नट्स। एंड एनिमल सोर्सेज जो हैं फैट्स के, वो हैं मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स एंड फिश। तो अब हम देखते हैं, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखिए, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। जिस फूड में प्रोटीन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि यह हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसकी रिपेयर के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं विटामिंस की। विटामिंस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। देखिए, विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसकी हमें स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। यह हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिंस आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिंस हमारी आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो देखिए, डिफरेंट काइंड्स के विटामिंस हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। और इसके अलावा एक ग्रुप है विटामिंस का, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, कौन कौन से विटामिंस हुए, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। ये हमारे 6 विटामिंस के टाइप्स हैं। और बॉडी needs all types of vitamins in small quantities. हमारी बॉडी को vitamins small quantities में ज़रूरत होती है। Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. देखिए, vitamin A का क्या काम है, हमारी skin और eyes को healthy रखना। Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin C हमारी body को diseases के against fight करने में help करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम का यूज़ करने के लिए। कैल्शियम हमें क्यों ज़रूरी है, बोन्स और टीथ के लिए।
Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9. तो देखिए सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है पपाया कैरेट मैंगो मिल्क फिश ऑयल. सोर्सेज ऑफ विटामिन बी राइस वीट एंड लीवर. सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी गुआवा ग्रीन चिली लेमन आंवला टमाटो एंड ऑरेंज. और सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी में है मिल्क बटर लीवर एग फिश. देखिए ये लीवर जो है जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो जैसे कि फ़िश लीवर खाते हैं या फिर फ़िश लीवर ऑयल का इनटेक करते हैं तो ये वो लीवर है. देखिए हमने इससे पहले प्रोटीन्स के सोर्सेज को देख लेते हैं एक बार फिर से, जिसमें कि प्लांट सोर्सेज में ग्राम मूंग तुअर दाल बीन्स सोयाबीन एंड पीज हैं. और एनिमल सोर्सेज में मीट फिश पनीर एग्स एंड मिल्क. तो अब हम बात कर रहे थे विटामिंस की, अब बात करते हैं मिनरल्स. मिनरल्स देखिए मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. विटामिंस की तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ही ज़रूरी हैं. ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. ईच मिनरल बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. तो देखिए इसमें सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स क्या हैं. सोर्सेज ऑफ आयोडीन में है फिश सॉल्ट जिंजर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस में मिल्क ग्रीन चिली बनाना राइस एंड वीट. सोर्सेज ऑफ आयरन गुआवा एप्पल लीवर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम मिल्क एंड एग. मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. देखिए किसी भी एक फूड आइटम में ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट हो, तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. देखिए जब आपने न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्टिंग की थी तो आपको किसी एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट मिले होंगे. हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स. किसी भी एक रॉ मटेरियल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और बाकी सब ट्रेसेस में. फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स. देखिए जैसे किसी एक इंग्रेडिएंट या किसी एक रॉ मटेरियल में कोई एक न्यूट्रिएंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स कह सकते हैं. बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स. देखिए हमने जिन न्यूट्रिएंट्स की बात की उसके अलावा दो न्यूट्रिएंट्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हैं. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स. तो देखिए रफेज हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस पोटैटोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेजेस. देखिए होल ग्रेन्स एंड पल्सेस पोटैटो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये हमारे रफेजेस के सोर्सेज हैं. रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स वर्थ. देखिए इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती लेकिन यह हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करता है. दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड से हमें छुटकारा पाने में हेल्प करता है. देखिए यह हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करता है. अब बात करते हैं वाटर की. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. तो वाटर हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट.
देखिए, हम अपनी बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वेस्ट रिमूव करते हैं, जैसे कि फीकल मैटर, यूरिन और स्वेट, ये कुछ फॉर्म्स हैं। तो वाटर हम यूरिन और स्वेट की फॉर्म में वेस्ट रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली जो भी लिक्विड्स हम लेते हैं उससे हमारी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, सच एज़ वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, और इसके अलावा हम कुक्ड फूड में भी पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी।